नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के 11वें मुकाबले के बारे में। सिडनी सिक्सर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में बिग बैश लीग का 11वां मुकाबला खेला जाना है, उसके बारे में। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको आज के मैच में टीम बनाना है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11, और हाँ प्लेइंग 11 में चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस क्या हुए हैं बता दूंगा आपको, बाकी कैसे आपको टीम बनाना है सब कुछ पिच रिपोर्ट के साथ में A to Z, मतलब जो कुछ आपको पता होना चाहिए आज के मैच के बारे में सब कुछ आपको पता चलने वाला है। और भाइयों, BBL जब से स्टार्ट हुआ है तब से आपके भाई के धमाके बरकरार हैं। एक मैच खराब गया था मेरा, लेकिन कल आपके भाई ने ऐसा फोड़ा है कि आप बस टेलीग्राम पे आकर रिजल्ट देख लो, समझ जाओगे कि कितना ख़तरनाक फोड़ा है भाई। पॉल वाल्टर मेरा कल सारी टीम में कैप्टन था, कल उसको किसी ने टीम में नहीं लिया था, आपके भाई ने कैप्टन किया था, तो कल तो कोई आसपास नहीं था। और भी प्लेयर्स, क्या नाम है उसका, मेगराक को कोई नहीं लाया था, आपका भाई लाया था। सबने डिको को कैप्टन किया था, आपके भाई ने कुछ भी नहीं किया था, और बहुत सी टीमों में तो ड्रॉप करके सेम बिलिंग्स को लिया था। तो कल तो मतलब वीडियो की टीम से मैंने ग्रैंड लीग जितवा दी, बंदे मेरे सेकंड रैंक आई है सबसे बड़े कॉन्टेस्ट में, और अभी लाइव चल रहा है वेस्ट इंडीज का, इसमें भी ग्रैंड लीग जीत रहा हूँ। एक प्लेयर मिस हो गया, अभी दिखाऊंगा ओपन करके। बाकी भाइयों, कल का रिजल्ट आओ देखने आप टेलीग्राम पे। आपका भाई BBL में हमेशा धमाका करता है, BBL जब स्टार्ट हुआ तो धमाका किया था, जब 6-7 मैच होके वो रुक गया था ना टूर्नामेंट, तो आपके भाई ने सारे ही मैचों में धमाका किया था। BBL में मैं कमा चुका हूँ भाइयों 50 और 60, 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा चुका हूँ अभी तक के BBL में। ना हो यकीन तो एक बार मेरे कहने पे भाई टेलीग्राम पे आओ, रिजल्ट देखो, उसके बाद ज्वाइन करना, ठीक है। तो लास्ट मैचों की बातें करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि धमाके आपका भाई इतने करता है। तो सीधे बात करेंगे आज के मैच के ऊपर, और आज के मैच में क्या होने वाला है उसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। सिडनी का मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है, तो होम ग्राउंड का एडवांटेज सिडनी को मिलने वाला है, प्लस सिडनी यहाँ पे हारता बड़ी मुश्किल से है, ठीक है। तो आज के मैच में जीतने के चांसेस सिडनी सिक्सर के ज़्यादा रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, एडिलेड स्ट्राइकर्स भी बहुत दमदार टीम है, उनके पास में दो दो शॉट हैं, वो बड़े डेंजर हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो जाएंगे, क्योंकि सिडनी हावी पड़ने वाली है, ठीक। बाकी भाई, वो बात की जाए कि इस पिच पे होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया सिडनी और एडिलेड स्ट्राइकर का, इस पिच पे क्या होता है वो समझाता हूँ भाई। मेरी पिच रिपोर्ट सुन के ही बंदे ग्रैंड लीग जीत जाते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पिच पे होने वाला क्या है भाइयों। ऑस्ट्रेलिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा स्पिनर्स को टर्न मिलता है तो वो इसी पिच पे मिलता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि स्पिनर्स को ही हेल्प मिलती भाई, फास्ट बॉलर्स भी यहाँ पे विकेट लेके जाते हैं, और आज के मैच में स्पिनर्स से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स इम्पोर्टेंट हैं। भले माना कि पिच पे स्पिनर्स के ज़्यादा विकेट्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों, टीम बना के बताऊंगा ना, तब समझ में आएगा, ठीक है भाइयों। तो स्पिनर से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। बाकी बहुत दिनों बाद मैच खेला जा रहा है तो आपको फ्रेश विकेट देखने को मिलने वाला है, तो बल्लेबाजों को भी अच्छा खासा सूट करने वाला है। बल्लेबाज कौन से लेना है आपको, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है भाइयों। बाकी बात की जाए कि इस पिच पे चेज होता है कि रन डिपेंड होता है, तो भाइयों इस पिच पे दोनों ही काम होते हैं, चेज भी होता है डिपेंड भी होता है। विकेट गया गया हाँ, चेज भी होता है और रन डिपेंड भी होता है, लेकिन
आपको मैं एक निंजा टेक्निक बताता हूँ आज का मैच विन करने की। सिडनी सिक्सर के फेवर में आप टीम बनाओ, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि पूरे 10 प्लेयर उठा लो भाई। एडिलेड स्ट्राइकर्स अगर पहले बॉलिंग करती है तो उनके गेंदबाज कौन से लेना है और उनके सेकेंड इनिंग में कौन से बल्लेबाज रन बना सकते हैं वो बता दूंगा। सिडनी सिक्सर के कौन से प्लेयर्स आपको किस कंडीशन में लेना है वो भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो 1 करोड़ प्राइस होता है ना, वो उसको विन करने के लिए बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है, तो बता दूंगा आपको, समझा दूंगा। पिच रिपोर्ट के साथ में प्लेयर्स के बारे में भी बता दूंगा। तो पिच रिपोर्ट में जो कुछ था मैंने आपको बताया, बाकी जो टीम पहले बैटिंग करेगी ज़्यादा जीतने के चांसेस उसके रहने वाले हैं, बस ये चीज़ भी आप एक ध्यान रखना। पता चल रहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर पहले बैटिंग कर रहा है और 200 प्लस स्कोर कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि भाई सिडनी सिक्सर्स, वैसे तो हारने के चांसेस कम है उसके सिडनी सिक्सर्स के, पर फिर भी हार सकता है क्योंकि ज़्यादा अगर रन बन गए तो क्या होगा, है ना। तो पिच रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको डायरेक्ट आज के मैच की टीम बना के बताता हूँ क्या मेरी टीम रहने वाली है। तो सीधे चलते हैं कहाँ पे, ड्रीम इलेवन पे। ड्रीम इलेवन ओपन तक कर लेता हूँ भाइयों, ओपन हो गया भाइयों, आपके सामने है ड्रीम इलेवन। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मैच में थॉमस की जगह पे सेम पुरेन रख लेता, ग्रैंड लीग जीत लेता, एक चेंज करना था बस। देखो जरा ये टीम थी मेरी, इतना बैड लक है मेरा, क्या ही बोलूं यार मेरे बैड लक की कहानी। एक चेंज करना था बस, थॉमस की जगह पे सेम कुरन को लेना था, और मुझे लगा था थॉमस डेथ ओवर में बॉलिंग डालेगा, लेकिन वो शुरू में 4 ओवर डाल के निकल गया। पिछली बार ओडीआई में इस बंदे ने मेरी ग्रैंड लीग मिस करवाई थी, उस टाइम पे सोच रहा था कि पावर प्ले में बॉलिंग डालेगा तो डेथ ओवर में बॉलिंग डाल रहा था। जान दो यार, थॉमस धोखेबाज, मेरे करोड़ों का 2 बार नुकसान करवा चुका है तू, ठीक है। जान दो, इसकी बात खत्म करो। बाकी कल का बीवीएल का रिजल्ट तो आओ टेलीग्राम पे देखने मेरे भाई, तबीयत ना मस्त हो, दिल आपका ना गार्डन गार्डन हो तो फिर बोलना। ओपन जैकपॉट दिया था आपके भाई ने, पॉल वाल्टर को आपके भाई ने CVC किया था भाई। माइकल नेसर को मैंने ड्रॉप करके टीम दी थी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। चलो मैं आपको, है ना भाई, आज के मैच में मैंने अभी टीम नहीं बनाई है, आपके सामने ही बना के बताऊंगा। देखो भाई, इस मैच में आप तो सीधे सीधे एक काम करो, जो मैं करने वाला हूँ वो काम कर लो। सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग करती है तो कैसे टीम बनाना है आपको, सिडनी सिक्सर पहले बॉलिंग करती है तो कैसे टीम बनाना है आपको। सिडनी सिक्सर के फेवर में मैं जाने वाला हूँ स्मॉल लीग में, बाकी ग्रैंड लीग की 2-4 टीमों में अगर एडिलेड स्ट्राइकर पहले बैटिंग कर रहा है टॉस जीत के, तो उनके फेवर में भी मैं कुछ टीम्स बनाने वाला हूँ। और क्या है, लास्ट मैच में इनने सिडनी थंडर को ऐसा पजाया है, मतलब देखने लायक मैच था। 200 प्लस का टारगेट ऐसी चेस कर दिया, तो एडिलेड स्ट्राइकर अगर चेस करती है तो कैसे टीम बनाना है, मतलब मैं आपको इस वीडियो में 4 टीम बना के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बना के बता देता हूँ, सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में, ठीक है। तो भाई देखो, जहाँ से विकेट कीपर में देखोगे तो भाई जोश फिलिप ही ठीक ठाक है, बाकी नेल्सन ऐसा है कि ग्रैंड लीग के लिए ठीक ठाक है, वो भी ग्रैंड लीग में भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यहाँ से जोश फिलिपी को ही ले रहा हूँ, और अगर पहले बैटिंग कर रही है इनकी टीम तो वैसे भी इम्पोर्टेंट रहेगा ही, क्योंकि पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि पहले आपको रन मार के दे देगा और उनकी टीम जीतेगी तो कैच पकड़ के दे देगा। कल जैसे राहुल के 20 पॉइंट थे, कैच पकड़ पकड़ के 60+ पॉइंट हो गए, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी के लिए बात जोश फिलिप है, अभी ये टीम बना रहा हूँ। सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में, समझ लेना। तो अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में आ गया हूँ। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है यार उसके ऊपर। जेम्स विंस आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, क्रिस लिन खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, एडम होस खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, जोर्डन सिल्क आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, और यहाँ से डेनियल ह्यूज खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। और हाँ, लास्ट वाला सिडनी सिक्सर का मैच मेरा इतना जबरदस्त गया था, स्मॉल लीग टीम से ग्रैंड लीग विन करी थी बंदों ने। आओ टेलीग्राम पे, यार टेलीग्राम पे आओ तो सही, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स।
बाकी यहाँ से जैक विथरोल्ड भी आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। चलो, वेटिंग सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कौन कौन खेलेगा। तो अभी मैं टीम क्या बना रहा हूँ, सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रही है, तो भाई मैं यहाँ से जेम्स विंस को भी लेने वाला हूँ, ठीक है। और चाहो तो भाई आप यहाँ से डेनियल ह्यूज को भी ले सकते हो। डेनियल ह्यूज भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और मारता है यार बंदा। और क्या है आज इसका थोड़ा सा, क्या मैंने सुनने में आया इसका आज 100 100वां बीबीएल वा मैच हुआ है, 100वां बीबीएल मैच है आज इसका, ठीक है। तो चाहो तो डेनियल ह्यूज को ले सकते हो, पर यार सामने वाली टीम में वो है ना, क्या नाम है उसका, मैथ्यू शॉर्ट, तो उसके डर के मारे मैं नहीं ले रहा हूँ, वो लेफ्टियों को उड़ा देता है जल्दी, ठीक है। बाकी जोर्डन सिल्क भाई, ये बंदा ऐसा है, और सिडनी सिक्सर जीत रही है, तो भाई ये आपको 2 3 कैच निकाल के दे देगा। कैच पकड़ता है ये, और अगर इसकी बैटिंग आती तो आउट नहीं होता है ये, तो ध्यान रखना जोर्डन सिल्क एक जबरदस्त पिक है इस मैच में भी, ठीक है। तो जोर्डन सिल्क को कोई लेगा भी नहीं, ले लेना, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए बस एक ही बल्लेबाज लेके चल रहा हूँ, जेम्स विंस, ठीक है। चलते हैं, और भी प्लेयर हैं जो इनका बताऊंगा मैं आपको, अभी थोड़ा सा रुको तो सही। अभी पहले मैं आपको सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रही है, वो उस कंडीशन में टीम बना के बता रहा हूँ। चलते हैं ऑलराउंडर्स में। मेरी कुर्सी यार, बैक टू बैक इतने मैच चल रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कुर्सी नीचे हो जाती है, इसको लॉक करता हूँ फिर भी नीचे हो जाती है। चलो बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो भाइयों झटका लगाया है सिडनी सिक्सर को। गिनी खेलेगा, क्या नाम है इसका, टॉम करन। टॉम करन 4 5 मैच के लिए बैन हो चुका है, ठीक है। तो टॉम करन आपको नहीं खेलता हुआ दिखाई देगा, टॉम करन की जगह पे हिडन कर खेलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बाकी जेमी ओवरटन, जेक एडवर्ड और बाजली, डीआरसी शॉट, मैथ्यू शॉट, मोजस हेनरिक्स और हिडन कर, मतलब ऑलराउंडर सेक्शन में आप देखोगे तो टी कोरेन और यहाँ से जे कान, इन दोनों को छोड़ के सारे प्लेयर्स खेलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। चलो बात करेंगे कि लेना किसको है और क्यों। तो भाई देखो, इस मैच में यहाँ से आप मैथ्यू शॉट को तो लेके चलो, क्योंकि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, और प्लस सामने वाली टीम में डेनियल ह्यूज है, लेफ्टी रहेगा टॉप ऑर्डर में, तो ये उसको टारगेट करेगा, ये उसको आउट करने के लिए आएगा। फिर आप मिडिल में जाओगे तो यहाँ से हेडन कर, वैसे राइट ही है लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, अच्छा ठीक है। और कितने लेफ्टी देख लो, यहाँ से देख लो, डेनियल ह्यूज और हाँ फिर बॉलर है स्टीव ओकीफ, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं, डेनियल ह्यूज रहेगा स्ट्राइक पे, तो मैथ्यू शॉट बॉलिंग पे आएगा। और ये क्या है ना यार, बीबीएल मतलब इसको आप इसका नाम रख दो मिस्टर बीबीएल, ठीक है, मिस्टर बिग बैश लीग है ही है, बीबीएल में इनका राज चलता है, बाकी जगह पे फुसकी बम है, ठीक है, बाकी जगह पे इनसे कुछ भी नहीं हो पाता है। बीबीएल में देखा पहले मैच में 160 पॉइंट, क्या काट रहा है यार, कुछ काट रहा है यहाँ पे। तो मैथ्यू शॉट रहेगा मेरी टीम में। और किसको लूंगा मैं बता देता हूँ आपको, तो और मैं यहाँ से लूंगा भाइयों जेमी ओवरटन, जेम्स वाजली, इन दोनों को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। मान के चलो सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रहा है, तो ये दोनों क्या है आपको आखिरी के ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। जेम्स बाजली का कंफर्म है कि आपको आखिरी में बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे, लास्ट मैच में क्या एक ओवर महंगा हो गया था तो उसको फिर दूसरा ओवर दिया ही नहीं। बाकी इस मैच में जो काम पॉल वॉल्टर ने कल किया है वो फर्स्ट बॉलिंग में ये कर सकता है। जेमी ओवरटन दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, प्लस बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, लंबा है, कैच भी पकड़ लेता है, बाउंड्री के पास लगा रहता है, 3 4 तो कैच ही पकड़े थे लास्ट मैच में,
तो जेमी ओवरटन फर्स्ट बॉलिंग में, सेकंड बॉलिंग में भी ले सकते हो। बाकी हेडनकर को यार भाइयों मैं बोलूँगा कि आप फर्स्ट बॉलिंग में लोगे तो ठीक ठाक रहेगा। बाकी चाहो तो हेडनकर को आप ले भी सकते हो, बल्लेबाज भी अच्छा है, गेंदबाज भी अच्छा है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ से तीनों ऑलराउंडर ले रहा हूँ, अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन। हाँ, कल कैसा क्वेश्चन पूछा था मानते हो? कितने टोपों की सलामी दोगे आप मेरे क्वेश्चन को? बोला था ना अर्शदीप सिंह कैप्टन बनाना आपका भाई, जिस प्लेयर पे क्वेश्चन पूछ ले वो बंदा कैप्टन ही बन जाता है भाई, कैप्टन ही बन जाता है। चलो पहले बात कर लेते हैं कि बॉलिंग सेक्शन में खेलेगा कौन, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। आज भी एक बॉलर सी बनने वाला है। चलो पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन खेलने वाला है। तो भाई ये शो नेवर्ट आ चुका है, आपको आज का मैच खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। बेन डेविस खेलेगा। आईपीएल में देखो ऐसे प्लेयर्स की कदर नहीं है यार, है अनसोल्ड वार है कलाकार हो, बड़े कलाकार हैं यार। रिंकू सिंह 55 लाख में, यश दयाल 5 करोड़ में, वाह 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 भाई। आईपीएल की टीमें जो उनका जो वो है ना, बस वो ऐसे ही है, उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। बेन डेविस उन्होंने खरीदा नहीं, अनसोल्ड गया भाई। बारे आईपीएल वालों जान दो, अब क्या करें, होता तो अच्छा था यार, मेरा फेवरेट है बेन डेविस। वैसे अगर भी आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, डेविड पेन भी आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, और यहाँ से मर्फी मर्फी या फिर यहाँ से स्टीव ओकीफ, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। बाकी जैक्सन बट का लगभग कन्फर्म है कि आपको आज का मैच भी खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। सी बॉयस कन्फर्म है कि आपको आज का मैच खेलता हुआ दिखाई देगा, और बाकी का मुश्किल है भाई। वो थोटन एक अच्छा गेंदबाज है, पर इनको इसको इनने खिलाया नहीं, और क्या है लास्ट मैच में ये जीत के आई है, तो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में ही उतरने वाला है एडिलेड स्ट्राइकर्स, ठीक है। चलो प्लेइंग इलेवन समझ लो भाइयों। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक चेंज हो सकता है, मर्फी या फिर स्टीवो किफे में से कोई एक स्पिनर को रेस्ट दे सकती है सिडनी सिक्सर की टीम, ठीक है। लेकिन हाँ, सामने वाली जो टीम है उसमें लेफ्टी ज़्यादा है, डीआरसी शॉट है, जैक विदरोल्ड है, और यहाँ से देखोगे विकेट कीपर भी लेफ्टी है, तो लेफ्टी है इनकी टीम में, तो हो सकता है कि मर्फी खेल जाए, स्टीव ओकीफ हो सकता वो भी खेल जाए, पता चल रहा है जैक्सन बर्ड बैठ जाए, या फिर यहाँ से इनमें से कोई चेंज हो सकता भाई, जैक्सन बर्ड या फिर ये स्टीव ओकीफ, इनमें से कोई एक बैठ सकता है। उसकी जगह पे आएगा कौन? देखो हेडनकर आ रहा है किसकी जगह पे, टॉम करन की जगह पे, और इनकी जगह पे और कौन आ सकता है? भाई गला खराब है, ग्रैंडलीग विन होने वाली, हाँ गला खराब वाली कहानी बताऊंगा बाद में यार, वीडियो लंबी हो रही है। चलो मैं आपको अभी टीम बना के बताता हूँ। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ भाइयों, आंसर दो, बताओ कि बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले किसको लूँगा। आंसर सही दोगे मतलब ग्रैंड लीग जीतोगे, क्यों? क्योंकि अगर आपका आंसर सही जाता है तो आप उसको टीम में लोगे, सीवीसी बनाओगे, और वो प्लेयर आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दिलाएगा, मतलब आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे। कल बस अर्शदीप को आपको कैप्टन ही तो बनाना था, वीडियो में क्वेश्चन पूछा भी तो था कि बताओ सबसे पहले किसको लूँगा। एक बार नहीं, एशिया कप से लेके अभी तक के चला आ रहा है। अभी क्या है, 2-4 वीडियो में मैंने अपना वो जगह चेंज कर ली थी तो ख़राब हो गए थे मेरे पर, लेकिन अब आपके जो बाप का जो भाई है वापस अपनी जगह पे आ चुका है, इसी सिद्धांत पे अपने पुरानी वाली जगह पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपका भाई बैठ के जिस पे उंगली रखता है वो बंदा गुच्छों में पॉइंट्स लेता है, ठीक है, बल्क में विकेट्स लेता है, बल्क में रन्स मारता है, ठीक है, बल्क में चौके छक्के मारता है। भाई मेरी तबीयत खराब है यार,
तबीयत ठीक करना पड़ेगी, नहीं तो बीबीएल की यार पूरी वीडियो बनाना है मुझे। यार भाई कल बेस्ट कमेंट का बोल रहा था मैं, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब है मैं क्या बताऊं आपको। इंडिया का मैच नहीं देखा मैंने, मालूम सोया रहा मैं, सोता फिर थोड़ा सा देखता फिर डाल देता वीडियो मैसेज, सोता फिर देखता फिर डाल देता वीडियो मैसेज। तबीयत थोड़ी ख़राब है भाई, इसलिए गिव अवे विनर नहीं बना पाया, लेकिन देखूंगा आज की वीडियो में। आप लोग अच्छी कमेंट कर लेना, अच्छी कमेंट अगर आपकी लगी मुझे तो मैं आपको गिव अवे दे दूंगा बेस्ट कमेंट का, ठीक है। 10 से 12 10 15 बंदों को बेस्ट कमेंट के 1-1 हज़ार रुपये दे सकता हूँ आज में, तो कमेंट कर लेना, ठीक है। बाकी आंसर दे दो। तबीयत खराब है, इतनी ठंड में मुझे गर्मी लग रही है, बताओ। तबीयत खराब रहती तो वैसे ठंड लगती है, लेकिन मुझे आज गर्मी लग रही है। ये रिंग लाइट का है बंद हो गई भाई। चलो भाई, आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा, कमेंट आपने कर दी होगी, तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बोलोगे भाई ऐसा क्यों, तो भाई देखो लाइक करोगे कमेंट करोगे तभी ग्रैंड लीग विन करोगे। बोलोगे भाई ये क्या लॉजिक है यार, समझाऊं? चलो समझाता हूँ, फिर उसके बाद में फटाफट टीम बना के बताऊंगा, पहले लॉजिक समझ लो भाई। देखो आप वीडियो को लाइक करते हो तो उससे होगा क्या कि मेरे बंदे ही टॉप पे चलते हैं, ठीक है, पता चल रहा है आप टॉप पे चल रहे हो, आपने वीडियो को लाइक किया है तो आप टॉप पे रह जाओगे, ठीक है, पता चल रहा है कि आप टॉप पे चल रहे हो, लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था तो होगा क्या आप नीचे आ जाओगे। बोलो कि भाई ऐसा क्यों हो जाएगा, तो वो इसलिए हो जाएगा कि भाई देखो ग्रैंड लीग जीतने के लिए लक प्लस आपका प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन में दे ही रहा हूं, लक आपको कैसे मिलेगा वीडियो लाइक करके। बोलो कि भाई कैसे, तो वो ऐसे कि भाई आपने वीडियो को लाइक किया, ऊपर वाले ने देखा यार ये बंदे का दिल साफ है, इसको टॉप पे रहने देते हैं। अगर आपके मन में खोट है, आपने वीडियो लाइक नहीं करी है, तो ऊपर वाला देख रहा है कि यार देखो पूरी वीडियो देख के चला गया ये बंदा, लेकिन इसने लाइक नहीं ठोका है, चलो इस ये फर्स्ट पे चल रहा ना इसको नीचे करता हूँ, तो वो जो नीचे रहेंगे ना जिनने वीडियो लाइक ठोकी है वो ऊपर आ जाएंगे आपसे। और हाँ, एक ग्रैंड लीग विन करने की निंजा टेक्निक बताता हूँ भाई, मेरी डीपी लगा लो आप, ये जैकेट में आपने देखी होगी कई बार डीपी, पिछली बार बनाई थी मैंने बीबीएल की वीडियो तो सब लोग ग्रैंड लीग जीते थे, चलो आज फिर से ये वाली जैकेट पहन के आया हूँ, ले लो एक स्क्रीनशॉट, लगा लो ड्रीम इलेवन की डीपी में। नहीं, जीएल विन फर्स्ट रैंक, स्क्रीनशॉट ले लिया हो लगा लेना, जीत जाओगे ग्रैंड लीग। आपके भाई की जो डीपी है ना वो ग्रैंड लीग को आकर्षित करती है, ठीक है, खींचती है ग्रैंड लीग को, तो कर लेना इतना काम, जीत जाओगे ग्रैंड लीग। चलो अब है ना भाइयों, आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, वीडियो आपने लाइक कर दी होगी, अब मैं आपको 5x में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हो जाता हूँ, चलो बता देता हूँ आपको। तो भाइयों अब मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, सबसे पहले आज के मैच में दोनों ही कंडीशन में कोई भी टीम बैटिंग करे कोई भी टीम बॉलिंग करे, दोनों ही कंडीशन में वो गेंदबाज मेरी टीम में रहेगा, उसका नाम है यहां से शोन एबट को भाई सबसे पहले लेने वाला हूं। 25 21 पहले 25 साहब, देखो 21 हो गया, 21% सिलेक्शन है, कोई भी नहीं ले रहा है। पर भाइयों मैं आपको बता दूं जो बात मैंने आपको बोली ना मैथ्यू शॉर्ट की, मिस्टर बीवीएल इसको आप बोल लो, मिस्टर बिग बैश लीग शोन एबट को, भाई रुतबा है इसका, जलवा है इसका, फोड़ देता है ये बीबीएल में, मतलब विकेटलेस बड़ी मुश्किल से जाता है। प्लस चलो ये तो तारीफ कर दी, रिकॉर्ड्स बता दिया आपको कि बीबीएल का शहंशाह है, बता दूं कि मैं ले क्यों रहा हूं दोनों ही कंडीशन में। देखो भाई ये बंदा पावर प्ले में बॉलिंग डालता है 2 ओवर तो सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो गया अंडर लाइट में, ये बंदा पावर
लेकिन मैं तो दो ओवर डाल ही रहा है, साथ में दो ओवर डाल रहा है आखिरी में, तो फर्स्ट बॉलिंग में इम्पोर्टेंट हो गया, जैसा हर्षदीप सिंह वैसा ही है। तो पावर प्ले में भी इम्पोर्टेंट, डेथ ओवर में भी इम्पोर्टेंट, पता चल रहा है शुरू में मूवमेंट मिल रहा है तो शुरू में विकेट लेगा, नहीं तो आखिरी में गेंदबाजों को आउट कर देगा, समझे? शोने वाइट सबसे पहले लिया है, अब मैं और किसको लूंगा? और हाँ एक बात अंदर की, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग सेक्शन में ऑलराउंडर मिल रहा है, अब और किसको लूंगा दोनों ही कंडीशन में? तो अब मैं लूंगा यहाँ से बेन डेवरिश, मेरा फेवरेट गेंदबाज। इसको आईपीएल में नहीं खरीदा, आईपीएल वालों पे मतलब यार कलंक है, ये लोग टैलेंट की कदर नहीं है। बेन डेवरिश इतना जबरदस्त गेंदबाज उनने खरीदा नहीं, जाइल रिचर्डसन से महंगा स्पेंसर जॉनसन बिक रहा है बाहर है, कलाकारो क्या ही कहने तुम्हारे भाई। बेन डेविस को इन्हें नहीं खरीदा ना, मेरा तो मतलब भरोसा उठ गया कि यार ये क्या करते हैं, वैसे ही बैठे हुए भाई वो लोग, बस तुक्केबाज लोग बैठे हुए वहां पे। बेन डेविस लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, बैटिंग जबरदस्त करता है, डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी कर लेता है, इंडिया की वाट लगा दी, आया था इंडिया में खेलने, इंडिया के सूर्या कुमार को बैक टू बैक दो मैचों में आउट कर दिया, फिर भी इस बंदे को उनने खरीदा नहीं, किसी ने भी एक भी आगे नहीं आया, अनसोल्ड चला गया बेचारा। चलो जान दो अब यार, खत्म करो। बाकी मैंने आपको बताई इंडिया के मैच से बात की, भाई इसको हर मैच में आपको लेना है, इंडिया की वीडियो में बताई थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज चल रही थी। भाई मेरी बहुत तबीयत खराब है आज, लेकिन गला भी खराब है, जिस दिन गला खराब होता है उस दिन ग्रेट लीग विन होती है। भाई मैं अब आपको जल्दी जल्दी टीम बना के बता देता हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? तबीयत ठीक करके आऊँगा फिर अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। तो शोन एवर्ट और यहाँ से बेन डेविस, बाकी यहाँ से आपको दोनों ही कंडीशन में इसको लेना है। नहीं अभी जैसे अपन टीम बना रहे हैं, सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रहा है, तो यहाँ से आप जैक्सन बर्ड को भी लेके चलो, क्योंकि ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा, सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट में इसको अच्छी स्विंग मिलेगी, ठीक है? बाकी सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रही है, तो डेथ ओवर्स के लिए यहाँ से अगर को लो, ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके देगा आपको, और कौन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके देगा आपको, तो यहाँ से डेविड पिन ज़्यादा नहीं, एक ओवर डेथ ओवर में डाल के देगा और उसी ओवर में वो विकेट ले जाता है, मतलब 20 ओवर डालता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? प्लस अगर पता चल रहा पावर प्ले में भी इसको मूवमेंट मिल रहा है, तो फर्स्ट बॉलिंग में शुरू में भी विकेट ले सकता है। गेंदबाज अच्छा है, लेफ्ट आर्म है, ज़बरदस्त है। तो 10 प्लेयर हो चुके हैं, बचा है बस एक प्लेयर। तो एक प्लेयर आप चाहो तो कोई सा स्पिनर ले सकते हो, चाहो तो मर्फी को ले सकते हो, पर मैं किसको ले रहा हूँ वो बता देता हूँ। एक प्लेयर आपका रहेगा भाई, ठीक है? एक प्लेयर आपका रहेगा अभी के लिए, मैं ले लेता हूँ यहाँ से एडवर्ड को अभी के लिए, ठीक है? या फिर एडवर्ड की जगह पे आप चाहो तो हेडनकर को भी ले सकते हो, ठीक है? चलो हेडनकर को रख लेते हैं, हेडनकर के बिग बैच में रिकॉर्ड अच्छे ज़्यादा। चलो ये रही भाइयों मेरी टीम, अगर ये सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, मेरी टीम ये, आप ये मैं सोचना कि ग्रेट लीग में लगाऊं कि स्मॉल लीग में लगाऊं, जहां मर्जी पड़े वहां लगाओ, मेरी जो टीम होती है वो मैं एक ही टीम से ग्रैंड लीग विन कर लेता हूँ। हाँ भाई स्मॉल लीग में भी क्लीन स्वीप कर देता हूँ, ग्रैंड लीग भी जीत लेता हूँ, ऐसी टीम बनाता हूँ मैं, ठीक है? तो बात करेंगे अब सीबीसी की, तो कैप्टन शोने बट रहेगा, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन पूछा था, वॉइस कैप्टन बेन डेविस, या फिर चाहो तो जैक्सन बट को भी आप कर सकते हो, ठीक है? पर मैं बेन डेविस को कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा भरोसेमंद है, फेवरेट है। तो ये रहे मेरे दोनों सीवीसी अगर ये सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रही है। अब मैं आपको एक टीम बना के बता देता हूँ, सिडनी सिक्सर पहले बॉलिंग कर रही है उस कंडीशन में, तो सिडनी सिक्सर पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप यहाँ से शोन एवर्ट को तो दोनों कंडीशन में, बेन डेविस को दोनों कंडीशन में, बाकी यहाँ से अब आप किसको लोगे? अब आपको यहाँ से लेना है डेविड पेन को, क्योंकि ये आपको
सेकेंड बॉलिंग में पावर प्ले में 3 ओवर डाल के देगा, मस्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। और किसको लेना है? जेमी ओवरटन को दोनों कंडीशन में। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एडवर्ड को भी लेना है और यहाँ से आपको कहा गया हेडनकर को भी लेना है, क्योंकि ये आपको डेथ में बॉलिंग करके देंगे, ठीक है। बाकी एम शॉट को तो यार रख ही लो, क्योंकि ये बंदा आया मिस्टर वो है वीवीएल। बल्लेबाज कौन से लेना है बता देता हूँ। बल्लेबाज में अब आप लो सिल्क को, ठीक है। क्या है कि सिडनी सिक्सर अगर पहले क्या बोलते हैं बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर जाएगा सेकंड वेटिंग में, तो फिर जॉर्डन सिल्क आएगा रन मार के देगा, ठीक है। बाकी यहाँ से विकेट कीपर में भाई सेफ है, यही है जोश फिलिप है। बाकी नेल्सन ऐसा है कि उसकी बैटिंग ही आना मुश्किल रहती है, बहुत नीचे आता है। बचा है बस एक प्लेयर, तो एक प्लेयर आप चाहो तो अगर को ले लो, या फिर और किसी को भी ले सकते हो। अभी एक प्लेयर और बचा है यार, देखो मेरी मेहनत देखो भाई, इतनी मतलब तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए वीडियो बनाने आ गया हूँ। चलो सिडनी सिक्सर की टीम पहले बॉलिंग कर रही, तो हेंड्रिक्स को भी ले लो। ये टीम होगी भाइयों, सिडनी सिक्सर की टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है उस कंडीशन में। पानी पी लेता हूँ यार, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है भाई, मेरे को है ना खांसी हो गई है। हाँ एक दो दिन मेरे खराब गए, तो नेगेटिव कमेंट वाले ऐसे आ गए और उनकी कमेंटों पे 1,000 लाइक हो रहे हैं। मतलब एशिया कप से लेके अभी तक के लगातार जिताया था, एक दिन मेरा खराब चला गया, तो अगले दिन आ गए मुंह उठा के हैं। वो भी बता देते कि भाई आप 100 दिन से लगातार ग्रैंड लीग जिता रहे हो। अद्दे यार मतलब चलो सीवीसी की बात कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट बॉलिंग में तो इनसे वेस्ट है ही नहीं कोई सीवीसी, क्योंकि दोनों दे दो ओवर के बॉलर है। आखिरी में आपको 16 से लेके 20 तक के 4 ओवर डाल के देंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि बेन डेवरिज आपको 6 ओवर के बाद दिखाई देगा, है ना। तो बहुत बढ़िया है, तो ये टीम रहेगी अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बॉलिंग करेगी उस कंडीशन में। तो सिडनी सिक्सर को फेवर हो गया, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि एडिलेड स्ट्राइकर पहले बैटिंग करते हुए जीत जाता है, तो कैसे टीम बनाना है आपको? यहां से फिर आपको डेविड पेन को लेना होगा। बेन डेविस को लेना होगा, शोने बट को लेना होगा। फिर आपको यहां से एम शॉट को लेना होगा, जेमी ओवरटन को तो रखना ही है। और अब जाओगे बैटिंग में तो क्रिस लिन को ले लो, पता चल रहा पहले बैटिंग करते हुए रन मार रही है अच्छे खासे। विकेट कीपर में रिस्क लेके नेल्सन को ले सकते हो, ग्रैंड लीग टीम है ये, हाँ ध्यान रखना। स्मॉलिंग में भी लगा सकते हो यार। अब आपको कौन से प्लेयर लेना है, तो देखो भाई ये तो दो ले ही चुके हो आप। थॉटन खेले तो थॉटन को ले लेना, अगर सिडनी सिक्सर की टीम एडिलेड स्ट्राइकर पहले बैटिंग करे तो। थॉटन कब लेना है? सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहता ही है, फर्स्ट बॉलिंग में रिस्की रहता है। चल डीआरसी शॉट को किसी टीम में नहीं रखा। देखो भाई ये मान के चलो कि एडिलेड स्ट्राइकर पहले बैटिंग करते हुए मैच जीत रहा है, तो ये टीम है मेरी, ठीक है। इस टीम में आप एक चेंज कर सकते हो, हेंड्रिक्स की जगह पे चाहो तो अगर को ले सकते हो। स्पिनर्स को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, ध्यान रखना। बात की जाए सीवीसी की, तो भाई देखो एडिलेड स्ट्राइकर अगर मैच जीत रहा है, तो इनका हीरो जो है मैथ्यू शॉट वो उभर के आ सकता है सामने, ठीक है। लेकिन मैं किसको बना रहा हूँ वो बताता हूँ। एडिलेड स्ट्राइकर अगर पहले बैटिंग कर रही है और जीत रही है, तो मैं कैप्टन करूँगा यहाँ से डेविड पेन को।
और वाइस कैप्टन करूंगा जेमी ओवरटन को। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिस्क ही लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि देखो भाई एम क्या बोलूँ यार, तबीयत खराब है यार। डेविड पेन और जेमी ओवरटन, एडिलेड स्ट्राइकर की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो सीबीसी। हाँ मैं क्या बोल रहा था, देखो भाई डीआरसी शॉट और एम शॉट, इनका यार बॉलिंग कंफर्म रहती नहीं है। एम शॉट तो भी डालता है पर ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स के सामने, और लेफ्टी ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहे हैं, बस डेनियल ह्यूज है एक लेफ्टी है ना। अब मैं आपको एक टीम बना के बता देता हूँ, एडिलेड स्ट्राइकर पहले बॉलिंग करते हुए अगर मैच जीत रहा है तो उस कंडीशन में, तो एडिलेड स्ट्राइकर अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप और मैच जीत रहा है तो क्या करो, अगर को सबसे पहले लो और आप पहले बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ध्यान रखना, तो आप क्या करो अभी के लिए एक को ही उठाओ, फिर यहाँ से इसको तो लेना ही है, अब इसको लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले बॉलिंग में ये हो सकता है कि आपको वही पॉल वॉल्टर वाला काम करके दे दे। फर्स्ट बॉलिंग में जेम्स पाजली ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, बताना मत यार किसी को, नहीं तो मेरे ओपोनेंट लीग में ले लेंगे, तो वैसे में इन्वेस्टमेंट भाई कल मैंने मालूम है कितना इन्वेस्ट किया था, कल मैंने कितना करा था, मैंने खुद ही विनिंग का स्क्रीनशॉट नहीं देखा था, 22-23 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था और मेरी विनिंग हुई थी 55 लाख प्लस। लेकिन हाँ मैं स्मॉल लीग्स खेलता हूँ, लीग इलेवन पे, लीग इलेवन पे क्यों खेलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एंट्री फीस कम है, कंपटीशन कम है, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना लीग इलेवन, बाकी टेलीग्राम पे भी आओगे तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो तो खैर कर ही लेना आप डाउनलोड, बाकी मेरे रेफरल से डाउनलोड करोगे तो कुछ भी समस्या आएगी लीग इलेवन से लेके तो मैं बैठा हूँ, बाकी आपको बोनस भी मिलने वाला है मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर, ठीक है, और गिव अवेज भी मिलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से ये तीन क्या हो गए आपके पास में, डेथ ओवर के बॉलर हो गए, बाकी कैमरन बॉयस को भी रख लो क्योंकि ये भी डेथ में एक हद दो ओवर डाल देता है स्पिनर, डेविड पेन को भी रख लो क्योंकि ये एक 20वां ओवर डालेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, जैक्सन बट को लो, शोन एवर्ट को लो, ठीक है, और किसको लोगे, तो बैटिंग में आओ, बैटिंग में आप यहाँ से जॉर्डन सिल्क को लो और यहाँ से जॉर्ज फिलिपे को लो और यहाँ से एम शॉट को लो और यहाँ से आप मेरा फेवरेट गेंदबाज बेन डेविस, तो ये टीम रहेगी अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें सीबीसी की बात की जाए तो भाई देखो रिस्क लेके आप बाजली को सी कर लो, डेथ ओवर्स में बॉलिंग पूरी डाल के दे सकता है, वॉइस कैप्टन आप अगर को कर लो ये आपको डेथ ओवर्स में डाल के देगा ही देगा, या फिर एक रिस्क लेके जैक्सन वर्ड को भी कर सकते हो, पता चल रहा पावर प्ले में पूरे विकेट ले गया एडिलेड स्ट्राइकर्स के, ठीक है। चाहो तो एम शॉट को भी कुछ बना सकते हो आप, पर मैं बना नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो बना सकते हो, बहुत तगड़ी बैटिंग करता है, ठीक है, बीबीएल में और कहीं नहीं, बीबीएल में, आईपीएल में फुसकी बम है। तो भाइयों आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक अच्छी कमेंट कर देना, हो सकता है बेस्ट कमेंट का गिव अवे दे दूँ, तबीयत खराब है यार भाई, नहीं तो कल भी बना देता, क्या करूँ, ठीक है। बाकी पर डे आपको बीबीएल की वीडियो मिलेगी इस चैनल पे, पर डे ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन मिलेगा आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बाकी हाँ पिच को लेके अगर कुछ भी फाइनल अपडेट आएगी तो वो आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगी, मैं बता देता हूँ टेलीग्राम पे फाइनल पिच रिपोर्ट, कल मैंने बोल दिया था स्पिनर चलेंगे, सारे स्पिनर ड्रीम टीम में आए ना इंडिया के मैच में कि नहीं आए ये बताओ, आए ना, तो जो फाइनल पिच रिपोर्ट होती है वो मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ, तो पिच को लेके कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, साथ ही में
क्या बोलते हैं, मेरी फाइनल टीम जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिससे मैं खेलने वाला हूँ। लीगली उनकी टीम मिल जाएगी मेरी, जिससे मैं दबा के पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो लीगली डाउनलोड भी कर लेना, लिंक है वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में। बाकी क्या बोलते हैं, प्राइम मेंबरशिप भी देता है आपका भाई। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा 9131658484 है, ध्यान रखना। इसके अलावा मेरा कोई भी व्हाट्सअप नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरी डीपी लगा के बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं आजकल, बहुत घूम रहे हैं मेरे नाम से डीपी लगा लगा के, और व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं हर किसी को जुगाड़ जमाने के लिए। तो बच के रहना, सावधान रहना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपको मैंने मुँह से भी बोल के बता दिया, 9131658484। आज की वीडियो में इतना ही भाइयों, मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।